बाजपुर में हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र पूर्व विधायक संजीव आर्य पर जानलेवा हमले पर कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस ने इस हमले को भाजपा की साजिश बताया। इसी के चलते कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा राज्य में दलित नेताओं पर हमले हो रहे हैं पूरी तरह निंदनीय है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए बताया कि भाजपा के गुंडों द्वारा जिस तरह से कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर और उनके पुत्र संजीव आर्य पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया, इससे लगता है कि भाजपा में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जन यशपाल आर्य जी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी हमलावरों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो सभी कांग्रेस जन प्रदेश की हर विधानसभा में धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बाजपुर में श्रीराम आप आश्रम में भारतीय जनता पार्टी से आए हुए कांग्रेस में एक स्वच्छता अभियान था जो हमारे माननीय यशपाल आर्य जी के मंत्री जी के समर्थन में जो अभी भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और वो सारे लोगों को अपने कांग्रेस में स्वच्छता ग्रहण करा रहे थे। बहुत भव्य स्वागत था जिसमें ब्लॉक प्रमुख से लेकर के नगर पंचायत से लेकर के पार्षद से लेकर के और कई प्रधान से लेकर के कई लोगों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी थी। तो इस आश्रम से कुछ ही 50 मीटर आगे एक कई लोग करबन 20-25 लोग लाठे डंडों लेकर के आते हैं और हमारा काफिला को रोक दिया जाता है और आर्य जी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कि मैं उसमें गवाह हूँ और मैं उस वहाँ पर उनके गाड़ी के आगे से और उनके जहाँ पर उनका गेट होता है उन गाड़ी का, तो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो हमारे काफ़ी समर्थन लोगों ने